दोस्तों, अगर आप RMP इन्फो चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पे क्लिक करके ऑल वाला ऑप्शन सिलेक्ट करें। दोस्तों, अंग्रेजी भाषा में एंथ्रेक्स रोग नाम से जाने जाने वाले इस रोग को आम भाषा में प्लीहा रोग, जहरी बुखार, गिल्टी रोग एवं विषहरी रोग नाम से भी जाना जाता है। ये बैक्टीरिया से होने वाला एक घातक संक्रामक रोग है। इस रोग का कारण बेसिलस एंथ्रेसिस नामक बैक्टीरिया है। यह रोग खुले घाव, संक्रमित पानी या खुराक से भी फैल सकता है। दोस्तों, ये रोग संक्रामित पशु से स्वस्थ पशु एवं मनुष्यों में भी फैल सकता है। ये रोग जिस जगह पर फैलता है उसी स्थान पर ये रोग बार बार फैलने का खतरा रहता है। ये रोग ज़्यादातर गाय, भैंस, बकरी एवं घोड़े में होता है। संक्रामक पशु से ये संक्रमण मनुष्यों में भी फैलता है। ये रोग होने का कोई टाइम फिक्स नहीं है, मगर बारिश की सीजन में इस रोग का संक्रमण ज़्यादा देखने को मिलता है। अब हम एंथ्रेक्स रोग के लक्षणों के बारे में जानेंगे। इस रोग में पशु के पैरों में लड़खड़ाहट होती है, पशु को श्वास लेने में दिक्कत आती है, पशु का शरीर थर्राने लगता है एवं पशु के शरीर की मांसपेशियों में कंपन होने लगता है। गाभिन गाय में गर्भपात होने की संभावना रहती है। पशु को तेज बुखार हो जाता है, उसका तापमान 103 से 107 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। इस रोग में पशु का शीघ्र ही मृत्यु हो जाता है और मृत्यु के शीघ्र बाद नाक, मुंह एवं गुदा में से झाग युक्त काला खून निकलने लगता है। पशु की मृत्यु होने के बाद उसका पेट फूल जाता है। एंथ्रेक्स रोग का उपचार। दोस्तों, इस रोग की ट्रीटमेंट के लिए एंटीबायोटिक्स का इंजेक्शन लगाया जाता है। दोस्तों, इस रोग में पेनिसिलिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, एमोक्सिसिलिन एवं एंड्रोफ्लॉक्सासिन औषधियों का प्रयोग लाभकारी होता है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि इस रोग को रोका कैसे जाए। बारिश शुरू होने से पहले ही पशु को एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन नामक वैक्सीन लगवाएं। मृत पशु का पोस्टमार्टम ना करवाएं, क्योंकि इससे मनुष्य को भी संक्रमण लगने का खतरा रहता है। मरे हुए पशु को 4 से 6 फीट ऊंडा गड्ढा खोद के उसमें चूने के साथ दफनाएं और उसके शरीर में से निकले खून, गोबर और अन्य स्त्राव को पूरी तरह से जला दें। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। ऐसे ही वीडियो आगे देखने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।